हेलो हेलो माय ऑल यूट्यूब फैंस, माय फॉलोअर, माय सब्सक्राइबर, आई होप आप बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। मैं बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। और आज का जो टॉपिक है वो है एक लाल और का बिल्कुल सो व्यूअर्स, आज का जो हमारा टॉपिक है वो है एक और लाल और का न्यू व्लॉग। और आज मैं आपको कहाँ लेके जा रही हूँ ये मैं अभी आपको जाके दिखाऊंगी। सो अभी स्टार्ट करते हैं आज का व्लॉग और चलते हैं वहाँ पे, डेस्टिनेशन पे हमारे। सो स्टार्ट करते हैं व्लॉग, लेट्स स्टार्ट आवर व्लॉग। सो मुझे थोड़ी सी लॉन के ड्रेसेस की शॉपिंग करनी थी, थोड़े से लॉन के सूट्स लेने थे। तो मैं देख रही थी यहाँ पे, मुझे मतलब मैं बहुत ज़्यादा ब्रांड कॉन्शियस नहीं हूँ, मुझे जो भी अच्छा लगता है बस वो जैसा भी हो, ब्रांडेड हो या नॉन ब्रांडेड, मैं वो ले लेती हूँ। सो यहाँ पे मैंने अपने लिए सूट्स देख रही थी और आगे भी मैं देखूँगी, और रेंडमली पसंद कर रही थी यहाँ पर। लेकिन ये जो है इसमें एक मैंने चीज़ देखी कि ब्रांडेड में जितने भी आते हैं उनमें बेस जो है स्किन होती है हर ड्रेस में, इसी वजह से मेरे इतने सारे ड्रेसेस जो हैं वो स्किन बेस्ड में, जैसे अभी भी आप देख रहे होंगे मैंने जो पहना हुआ है वो भी स्किन के ऊपर ब्लैक है। अब ये भी मुझे प्रिंट बहुत अच्छा लग रहा था लेकिन ये भी स्किन के ऊपर था, और इस तरह जैसे मैंने आप देख रहे हैं पहना हुआ है ये भी स्किन पे सारा पिंक एंड ब्लैक है, लेकिन स्किन भी आप पहन पहन के बहुत ज़्यादा बोर हो जाते हैं वो। सो अब मैं आपका सस्पेंस खत्म करती हूँ, मैं बताती हूँ कि हम आज लाल लौर का व्लॉग कहाँ पर बना रहे हैं। हम आए हैं जी इचरा मार्केट में, इचरा बाज़ार में, जहाँ पर आपको हर तरह की वैराइटी, हर तरह की प्रोडक्ट, हर तरह की शॉपिंग है। जो मैंने ईद की शॉपिंग की है ये मैं आपको नहीं दिखाऊंगी क्योंकि ये सरप्राइज़ होगा, ये ईद वाले दिन आप देखेंगे। कपड़े भी आते हैं, बेड शीट्स और टॉवल्स, बेड शीट, कर्टन्स, इंच एंड एवरीथिंग, क्रॉकरी भी आपको यहाँ पे मिलती है। बाज़ार में हर कुछ आपको अवेलेबल होगा, एक ही बाज़ार में आपको सब प्रोडक्ट मिलेंगी। और अभी तो मैं देख रही थी लॉन के सूट्स जो कि मुझे चाहिए थे, तो ये ब्रांड की फर्स्ट कॉपीज़ है। ये वाला खोल के दिखाएंगे शर्ट के पीस, ठीक है, ये दुपट्टा, ये शर्ट। वैसे मेरा ऑरेंज की वजह से कलर नहीं ना, वो ऑरेंज तो मैंने वो भी दिखाया, ठीक है, ये वाला मैंने कहा ऑरेंज का सेम रहे ना, तो कहना मेरे को ये फर्क ही नहीं होता कि मेरे बारे से आप दोबारा आएंगे, ये शलवार के पीस पहुँच चुके आएगा, ये वाला डिजाइन उसके कलर बड़े ब्राइट लग रहे हैं, इस पे कम कम लग रहा है ना, तो पिक्चर है ना, पिक्चर हाँ। थोड़ा सा तो आपकी भी पिक्चर तो नहीं, तो फर्क तो आ जाएगा, और ये वाला फर्क तो आएगा उसमें। ये देखिए इसका सेम बना हुआ है ट्रोस है, तो देखिए दुपट्टा इसका हाँ। अब ये इसका फ्रंट पे सारा काम बना हुआ है, ये रखे। और यहाँ से आगे जब आप जाते हैं इचरा बाज़ार में तो आपको हर तरह की चीज़ें मिलती हैं, जैसे कि दस्तरखान और ये चटाई और रुमाल, किचन की जितनी भी एक्सेसरीज होती हैं, एक्स्ट्रा टेबल मैट, आपको कुशन हर चीज़ मिलेगी यहाँ पे। ये बहुत ही मतलब लेस प्राइस में लगे हुए थे टू पीस, जो कि हर स्टैंडर्ड साइज में थे, और ये मुझे बड़ा अच्छा लग रहा था, ये लग रहा है एम्ब्रॉयडरी था, तो लेकिन एम्ब्रॉयडरी इस पर इससे बड़ा साइज होता है, ये बड़ा ही साइज है। अच्छा, और कौन कौन सी, ये रेड दिखाना, ये रेड, ये रेड आएगा, ये भी कौन सा, हाँ ट्राउजर भी इनके खुले हैं, ऊपर से पॉलिशिंग गंदा हुआ है अंदर से, हाँ ये लगा था ट्राउजर, वो सेम ट्राउजर, ये ट्राउजर है। अच्छा सेम है ये। सो मैंने एक ले लिया था क्योंकि मुझे नाइट सूट के लिए बहुत अच्छा लगा था, खुला खुला सा कुर्ता और खुला सा ट्राउज़र। जो बेडशीट्स भी लेने की, अब मैं बेडशीट लेने के लिए आई हूँ, यहाँ पे काफ़ी अच्छी बेडशीट्स थी और मैंने इनमें से एक दो ली, और उसके साथ ही मैं यहाँ पे ये वाली मुझे बेडशीट लगी थी ब्राउन वाली, तो आगे भी मैंने और देखी, लेकिन यहाँ पे मैं आपको दिखाती हूँ कौन कौन सी वैरायटी थी यहाँ पे। और ये जो बच्चों वाली बेडशीट है ये, सो यहाँ से मैंने सलमान के लिए एक सिंगल चादर ली, जो कि जिसे सर्दी है थोड़ी सी, एसी में आप बच्चे को ठंड लगती है तो उसको बहुत पसंद है, कार्टून उसकी हर चीज़ जो है उसकी कार की थीम है, तो मैंने कार वाली बेडशीट ली। और यहाँ से मैं अपने लिए अब रूम के लिए बेडशीट लेने ली, और फिर आगे चलते हैं बाज़ार में और आगे भी आपको जाके दिखाती हूँ कि इचरे में और आपको क्या क्या चीज़ें मिलती हैं।
ये दिखाएं तो स्किन सी कलर की, ये हाँ स्किन सी दिखाएं कोई, ये कौन सी है ये दिखाएं, ये वाली ओके भाजी, ये मुंह से बोलता घबरा मैं हूँ, ये बिल्कुल बच्चा है, लाइट एंड डार्क कलर है बेटा। इशरा बाज़ार में आपको क्रॉकरी भी मिल जाएगी और बहुत अच्छी हर तरह की प्लास्टिक की और शीशे वाली हर तरह की पत्थर की हर तरह की क्रॉकरी आपको मिलेगी। और जहाँ पे ये देखिए मुझे इतनी प्यारी लगी थी ये वाइट के ऊपर गोल्डन थीम के साथ, ये उन्होंने डिफरेंट शेप्स दी हैं जिसमें एप्पल बना हुआ है, ये हार्ट बना हुआ है और एक लीफ बना हुआ है। सो ये मुझे लगा बहुत प्यारा कि अगर आप इसमें कोई ड्राई फ्रूट आप अलग अलग से जैसे सर्दियों में इसमें सर्व करें तो बहुत प्यारा लगे, या कोई भी चीज़ आप इसमें सर्व कर सकते हैं और डिफरेंट आप शेप्स ले सकते हैं तो बहुत अच्छी लगती है। छोटे स्टाइल साइज में भी इसका लीफ का था पत्ता और आपको सस्ता रहेगा 6,000 रुपये पूरा सूट और ये एक मार्केट है, इसको कहते हैं पठानों वाली मार्केट है। वो इसलिए कहते हैं क्योंकि वैसे तो आपको रीगा में पठानों की सब शॉप्स मिलेंगी, लेकिन वहीं से इसी तरह ही इशरा में भी एक मार्केट है जो स्पेसिफिकली पठानों की मार्केट कहलाई जाती है और जहाँ पे आपको फैंसी में बहुत अच्छी वैरायटी मिल जाती है बहुत रीज़नेबल प्राइसेस में और बहुत अच्छी। और जो भी वैरायटी रीगा में या लिबर्टी में आपको नज़र आएगी वो यहाँ पठानों वाली मार्केट में भी आपको नज़र आएगी। तो ये पूरा एक रोड है जो कि स्ट्रेट अवे काफ़ी लंबा है और जाता है वहाँ एंड तक, और उसके एंड पे एक बड़ी ज़बरदस्त और बहुत पुरानी आलू चने चाट वाली एक शॉप है जो कि बहुत फेमस है, इचरे की स्पेशलिटी में है वो आलू चने की चाट। लग रहा है इसका सारी बैग देते हैं हम, पूरी बैग फ्रंट सारा यही देंगे आप। आगे बाकी आगे इधर आप चाट, इसके क्या प्राइस है? ये 4,500 फ्रंट है बैग इसकी ताली। और यहाँ से मैं सीधा ये वैरायटी देखते देखते उधर ही जा रही हूँ क्योंकि ईद की शॉपिंग के लिए इसमें से देख रही थी, लेकिन ये बहुत ज़्यादा ही फैंसी है और ईद के हिसाब से बहुत ज़्यादा ये फैंसी लुक दे रहे हैं। और जी ये जो सामने आपको बड़ी खूबसूरत सी रेड़ी नज़र आ रही है आलू चने वाली, यही यहाँ के फेमस स्पेशलिटी है और यही यहाँ के बहुत फेमस आलू चने हैं। लेकिन जो भी है आज तक इन्होंने अपनी दुकान को डेकोरेट करने का इतना नहीं किया, लेकिन फिर भी टेस्ट इतना अच्छा है कि आज तक ये बहुत फेमस है और हम ज़रूर खाते हैं।
आपने अपनी शॉपिंग नहीं की, ये जो हाथ पकड़ी है ये बैग कितने, जो भी मिकी माउस वाला दिया हुआ घर में वो ऐसा वाला है ना वो। अजय इधर मुझे प्रेम लेने दो, वो बाहर में इसके क्या प्राइस है मम्मा? सामान खा ले, सामान बहुत मज़े की है, सामान बहुत मज़े कर रहा है। ये देखो साथ बोतल भी, नहीं नहीं टेस्टी ये देखो ये वाला ले ले मम्मा, ऑरेंज वाला ले लूं। और टॉयज की शॉप नज़र आ जाए तो मम्मा तो फौरन स्पीड आगे भागती कि फिर सलमान स्टार्ट ना हो जाए कि एक और टॉय ले दे। सलमान ये ले ले मम्मा, इधर आ, ये लग रही साड़ी सलमान, ये लेना है, कौन पहनेगा, कौन किसके लिए लेना है? नीचे तो ये सलमान लेके अपना बास्केटबॉल और इस पे वो प्रैक्टिस करेगा, है ना सलमान? ये सलमान नीचे से प्रैक्टिस करे ना आप, वेरी गुड। और ये ली है सलमान की कार वाली एक बेडशीट, क्योंकि उसको बहुत शौक था बड़ी देर से इस तरह का कि बेडशीट हो, अभी तक कलेक्ट की है कार वाली बास्केट कार वाला, ये तो फुल एक थीम होगी है। और ये उसकी मैंने बेडशीट भी ली है सलमान की। ये थोड़ी बहुत जो क्रॉकरी ख़त्म हुई हुई थी जैसे स्पून्स और ये फॉग वगैरह अक्सर घूम जाते, ये कोई पिक्चर नहीं है, ये है एक स्मॉल ट्रे 2 कप्स के लिए। कटलरी जैसे आपको पता अक्सर घूम जाते हैं स्पून और फॉक, तो ये मैं एक डिज़ाइन के लिए आई थी सारे से। ये है जी मेरे कपड़े, लेकिन ये मैं नहीं दिखाऊंगी क्योंकि ईद पे आपको ये दिखाऊंगी मैं। बाय बाय, आई होप यू लाइक माई व्लॉग, और इफ़ यू लाइक दिस तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माई यूट्यूब चैनल एंड ऑल्सो क्लिक बेल आइकन फॉर फर्दर एक्साइटिंग इंटरटेनिंग वीडियोज़। बाय बाय।